अच्छा तो आप लोग भी डिजर्ट ईगल से इस तरह के वन टैप लगाना चाहते हैं, यानी कि केवल रेड नंबर, यानी कि आपकी हर एक गोली केवल रेड नंबर में बात। जब भी आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि डिजर्ट ईगल से वन टैप कैसे लगाएं, तो आप लोगों को हजारों वीडियो देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के वन टैप नहीं लगते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग केवल और केवल रेड नंबर में बात, आप लोग वन टैप से नीचे बात ही नहीं करेंगे। तो ये ट्रिक कौन सी है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले नंबर बात करते हैं स्टेप नंबर वन के बारे में। जब भी आप लोग डिजर्ट ईगल से वन टैप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एम प्लेसमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये एम प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखिए एम प्लेसमेंट कहलाता है, जो ये एम दिख रहा है ना आप लोगों को, इसको कहां पर रखना है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया कि इस एम को किस पोजीशन पर रखना है, इसकी सही पोजीशन क्या है, तो आप लोगों के केवल वन टैप ही लगेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज है कि वन टैप कैसे लगाएं, तो वहां पर वो लोग केवल एक ही बात बताते हैं कि फायर बटन को रोटेशन ड्रैग करो, फायर बटन को स्ट्रेट ड्रैग करो, फायर बटन को नीचे से ड्रैग करो, ऊपर से ड्रैग करो। बल्कि फायर बटन डिपेंड ही नहीं करता है, फायर बटन का ड्रैग होना डिपेंड नहीं करता है कि आप लोग किसी भी तरह से डिपेंड करो, लेकिन आपका एम सही जगह पर है या नहीं है, ये डिसाइड करता है कि आप लोगों का वन टैप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब आप लोगों को एम कहां पर रखना है, तो देखिए एम आप लोगों को हमेशा एनिमी के हेड की सीधी लाइन में रखना है, और आपका जो एम है वो व्हाइट होना चाहिए। आप लोगों का एम हमेशा व्हाइट होना चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हैं, कि आप लोग एनिमी की बॉडी पर रेड जब एम हो जाता है, तब आप लोग उसके ऊपर गोली चलाते हैं और फिर फायर बटन को ऊपर खींचते हैं, मतलब कि फिर आप लोग ऊपर ड्रैग करते हैं, और आप लोग सोचते हैं कि वन टैप क्यों नहीं लग रहा है। कभी भी रेड नंबर पर आप लोगों को वन टैप नहीं लगाने हैं, हमेशा आप लोगों को व्हाइट एम पर ही वन टैप लगाने हैं। अगर आपका एम व्हाइट नहीं है, तो आप लोगों को फायर बटन का यूज ही नहीं करना है। चलिए मैं आप लोगों को वन टैप लगा करके दिखाता हूं। तो देखिए मैंने वन टैप, यहां पर वन टैप लगाने के लिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं जब भी जंप ले रहा हूं, तो उसके बाद मैं अपने एम के ऊपर ध्यान दे रहा हूं कि मेरा एम कहां पर है, और जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा एम एनिमी के हेड की सीधी लाइन में, मैं तुरंत ही ड्रैग कर रहा हूं, और हर एक गोली वन टैप लग रही है, हर एक गोली वन टैप। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो तुम ट्रेनिंग ग्राउंड की गुड्डी पर दिखा रहा है, सीधे एनिमी के सामने दिखाओ ना। तो मैं आप लोगों को क्लैश स्क्वाड का गेम प्ले दिखाता हूँ। देखिए मैंने एम हमेशा मैं अपना व्हाइट रख रहा हूँ, और मैं सीधा ही वन टैप लगा रहा हूँ। ओनली रेड नंबर, ओनली रेड नंबर, हर एक गोली ओनली रेड नंबर लग रही है। तो देखिए मैं इस ट्रिक का यूज कहीं पर भी करूँ, बस आप लोगों को एम प्लेसमेंट के बारे में समझना पड़ेगा, तो आप लोगों के बहुत तगड़े वन टैप लगेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि मैं अपने एम को भी सही रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो गोली है वो एनिमी को टच नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को स्टेप नंबर टू, यानी कि सेंसिटिविटी सेटिंग को सही करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी सेटिंग क्या होती है, सेंसिटिविटी सेटिंग आपके कैमरा एंगल की मूवमेंट को डिसाइड करती है कि आपका कैमरा एंगल कितना तेजी से मूव करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं सेटिंग में गया, मैंने अपनी जो जनरल सेंसिटिविटी है उसको पूरा जीरो कर दिया। अब देखिए मैं अपनी स्क्रीन को लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे घुमा रहा हूं, और कितना धीरे धीरे हो रहा है, मतलब बहुत धीरे हो रहा है, आप लोगों को खुद रियलाइज हो रहा होगा। लेकिन जब मैंने इसी सेंसिटिविटी सेटिंग को 100 किया, तो आप लोग देखिए कि जो मेरा कैमरा एंगल है वो कितना स्पीड से, मतलब कितना तेजी से फॉरवर्ड हो रहा है, लेफ्ट राइट में कितना तेज मूवमेंट कर पा रहा हूं। तो आप लोगों को सेंसिटिविटी सेटिंग परफेक्ट करनी पड़ेगी। तो डिजर्ट ईगल से अगर आप वन टैप लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 95 या फिर 100 सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी है। अगर आप इससे और भी ज्यादा अपने कैम स्क्रीन को घुमाना चाहते हैं, ताकि आपकी मूवमेंट और भी खतरनाक लगे, तो उसके लिए आप लोगों को डीपीआई सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप लोगों को डीपीआई सेटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या सही डीपीआई रखनी है, तो आपकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सही डीपीआई क्या है वन टैप के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैं सब कुछ सही करता हूं, लेकिन मेरा गन स्विच सही टाइम पर नहीं हो पाता है। उसके लिए आप लोगों को स्टेप नंबर 3 को समझना पड़ेगा। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में आप लोगों को गन स्विच वाले बटन को सेटिंग में जाकर के ऑन कर लेना है। अब सेटिंग में जाकर के ऑन क्यों करना है, आप लोग जब गेम प्ले करते हैं, तो राइट साइड में ही आप लोगों का गन बॉक्स का बटन होता है, और राइट साइड में ही आप लोगों का फायर बटन होता है। तो पहले आप लोगों को गन स्विच करने के लिए उस बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद फायर बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि मतलब एक ही उंगली दो काम करेगी, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतने में एनिमी आप लोगों को मार देगा। लेकिन अगर आप लोग गन स्विच वाले बटन को ऑन कर लेते हैं, तो आप लोग उसको लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, जिस तरह से मैंने रखा है, और मैं लेफ्ट साइड से मतलब गन को स्विच करूंगा, और राइट साइड से मैं सीधा ही फायर कर दूंगा। तो इन ट्रिक को आप लोगों को सही तरह से फॉलो करना है। चलिए मैं आप लोगों को फाइनल दिखाता हूं कि वन टैप लगाते कैसे हैं। देखिए एनिमी मुझे जैसे ही देखा, मैंने अपने एम को व्हाइट किया। जब तक आपका एम व्हाइट और एनिमी के हेड के पास में ना हो, तब तक आप लोगों को फायर बटन को भूल जाना है। तो मैंने सबसे पहले नंबर स्प्रिंट किया, उसके बाद में मैंने गन को स्विच किया, उसके बाद में मैंने एक जंप लिया, और जंप लेने के बाद मैं कैमरा एंगल से अपना जो
व्हाइट एम है, मतलब जो एम है ना उसको मैं व्हाइट रख रहा हूँ एनिमी के हेड के पास में, और जैसे ही मैं जमीन पर खड़ा हुआ वैसे ही मैंने ड्रैग कर दिया और केवल रेड नंबर लगा। आप लोगों केवल इस ट्रिक का यूज करना है और आप लोगों के केवल वन टैप लगेंगे और वन टैप से नीचे आप लोग बात ही नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का एम बॉडी पर लॉक हो जाता है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप लोग अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।